वही है जो सायरा ने पहनी हुई थी एक इवेंट पे रिसेंटली, राइट? एक्चुअल में कैसे लगेंगे? बिकॉज समहाउ जो मॉडल्स का शूट है उसमें लाइटिंग और बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं. टू पीस कुर्ता पजामा बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला. आई विल बी चेकिंग देयर गिफ्ट सेट्स व्हिच लुक्ड अमेजिंग ऑन द वेबसाइट. दिस इज एक्स्ट्रा लार्ज. स्टिल आई एम ट्राइंग टू चेक कि ओवरसाइज्ड में इतना ओवरसाइज्ड चलेगा या नहीं. ड्रेस शर्ट्स लेडीज की इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती, सो मैं मेंस सेक्शन में हमेशा उनकी स्लिम फिट जरूर चेक करती हूँ. है कि यहाँ पे ज्यादातर वैरायटी ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के ड्यूप्स होते हैं. मोस्टली मैंने यहाँ से ज़ारा की कॉपीज भी ली हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमनाज ग्राम्स अनदर इंटरेस्टिंग वीलॉग. गेस व्हाट, आज मुझे मेरी तनख्वाह मिली है. और अगर आप मेरे बजट चैलेंजेस का राज जानना चाहते हैं तो चलिए आज आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए कि सैलरी मिलते ही मैं क्या करती हूँ. इवन यू कैन से तनख्वाह के साथ ऐसा क्या करती हूँ कि बजट चैलेंजेस की नौबत बहुत जल्द आ जाती है. लेट्स गो. अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद. सबसे पहले तो मुझे अपने लास्ट मंथ के ड्यूज क्लियर करने हैं. क्या आप ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे कोई बिल पेंडिंग है? नो, इट्स नॉट दैट. अमूमन मेरी शॉपिंग पेंडिंग होती है या तो मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ होता है या कोई चीज़ पहले से पसंद करके रखी होती है. पर इस बार लास्ट वीक में मेरे भाई का बर्थडे था एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज आउट ऑफ मनी फॉर अ गुड गिफ्ट. मैंने तब उससे माजरत कर ली कि नेक्स्ट सैलरी मिलते ही सबसे पहले उसके लिए गिफ्ट लूंगी एंड देन एनीथिंग एल्स. So lucky him that mostly brands पर New Year sale है and most importantly उसके favorite brand पर अमीर अदनान पर sale है, जहाँ से हमेशा मैं अपने भाइयों के लिए grand annual sale पर लाजमी कुछ ना कुछ लेती हूँ because इनकी ये sale इतनी amazing होती है. Even my mother loves it. By the way, भाइयों से मेरी मुराद ये है कि एक मेरा अपना भाई है जो कि मुझसे छोटा है और बाकी दो जो हैं वो मेरे ब्रदर इन लॉज हैं. तो सबसे पहले I'll be checking their gift sets, which looked amazing on the website. Let's see असल में कैसे हैं. क्या है इसके अंदर? एक परफ्यूम है. सो गिफ्ट सेट की सारी आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले रहे हैं. इनमें पर्सनल केयर स्टाफ भी है जिसमें माइसेलर क्लींजिंग जेल, रोल ऑन हेयर एंड बॉडी वॉश, स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, फेस कंसीलर, अंडर आई क्रीम, लिप बाम्स, मॉइस्चराइजर जेल एंड इवन द फ्रेग्रेंसेस आर देयर. गिफ्ट करना है ना असल में तो. अच्छा, इसमें सूट भी आप कर सकते हैं और शॉल भी उसके साथ सिर्फ कर सकते हैं और एक साथ परफ्यूम कर सकते हैं. ये है शॉल्स जो कर सकते नहीं शॉल्स इस तरफ नहीं है. ये इनमें सवात एंड हुंजा वर गुड. बाकी मैंने सारे ट्राई नहीं किए बट लाहौर और कश्मीर वाले बिल्कुल अच्छे नहीं थे. वैसे तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ अगर वॉलेट या परफ्यूम करके मैं गिफ्ट सेट ले लेती तो दैट वुड बी बेटर. लेकिन राइट नाउ मुझे 50% ऑफ पे ये स्टिच टू पीस कुर्ता पजामा बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला. सो आई थॉट इट्स बेटर टू गेट दिस. और बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने की एक बहुत इंटरेस्टिंग वजह भी थी. एक्चुअली आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इससे पहले लामा जाने के लिए मुझे लाहौर जाना पड़ता था. सो फाइनली इट्स इन इस्लामाबाद नाउ और सोने पे सुहाग लामा पे 50% ऑफ है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू विजिट दैट. इसलिए मैंने गिफ्ट की एक बजट ब्रैकेट फिल की ताकि मुझे लामा से कुछ अच्छा मिले, मेरा बजट फुल ना हो चुका हो. सो लेट्स गो देयर एंड सी व्हाट्स द वैरायटी ओवर देयर. ओके, अब हम F10 मरकज पहुंच चुके हैं. यहाँ मेरी लेफ्ट साइड पे आपको जीन के बिल्कुल साथ लामा का आउटलेट नजर आ रहा होगा बट अभी यहाँ पे पार्किंग की स्पेस नहीं है सो मुझे गाड़ी थोड़ी सी आगे पार्क करनी पड़ेगी. वहां से मैं फिर पैदल चल के पीछे की तरफ आऊंगी.
आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि भूख मुझे ऑलरेडी लग चुकी है, बट राइट नाउ आई कंट्रोल बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है. अभी ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं और इसके बाद मुझे सेंटोरस भी जाना है बिकॉज देयर इज़ वन फेवरेट ब्रांड जिसके बगैर मेरी शॉपिंग कम्प्लीट नहीं होती. इन शॉर्ट यू कैन से कि जब मुझे सैलरी मिलती है तो मैं सेंटोरस जाए बगैर, इवन उस ब्रांड को विजिट किए बगैर घर पे चैन से बैठ नहीं सकती. सो अभी फिलहाल हम लामा जा रहे हैं, इसके बाद वील गो टू सेंटोरस. तब तक भूख होल्ड करके रखनी पड़ेगी. ओके, वन इंटरेस्टिंग थिंग, सेल लगने के बाद आई चेक देयर वेबसाइट लेकिन आई कुडंट डिसाइड. मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कपड़े एक्चुअल में कैसे लगेंगे बिकॉज समहाउ जो मॉडल्स का शूट है उसमें लाइटिंग और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं व्हेन यू एक्चुअली सी द स्टफ. Look at this. Love at first sight stuff spotted. Done and decided, not giving it a second thought, I'm just going to buy it right away. Oh no, मुझे अभी याद आया मैंने तो गिफ्ट भी खरीदना था. Well, it's my rule. जब भी मैंने किसी और के लिए कुछ लेना हो तो मैं सबसे पहले वो बजट पूरा करती हूँ. I get something for that person, फिर मैं अपने लिए कुछ खरीदती हूँ. So I'll be on my rule. But not my fault. अभी मैं ground floor से first floor पे आई हूँ but यहाँ भी ladies stuff है. So यहाँ हल्की सी नज़र डाल के I'll go to the men's section. Wow, these puffers are really nice. This long puffer jacket has my heart now. और ये green basic तो बहुत ही cool है. I think ये वही है जो Saira ने पहनी हुई थी एक event पे recently, right? Yeah, it's exactly the same article. इसमें pink color तो बहुत ही cool है. So finally, I'm at the men's section. And these padded puffers are my weakness. Love these. But gift shopping is very difficult क्योंकि आपको वो नहीं लेना होता जो आपको पसंद आता है बल्कि आपको अगले की चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ लेनी होती है. एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड. इट्स अ यूनिसेक्स oversized फर जैकेट. आई रियली लव इट बट इसमें साइज नहीं है. दिस इज एक्स्ट्रा लार्ज. स्टिल आई एम ट्राइंग टू चेक ये oversized में इतना oversized चलेगा या नहीं. Well, ये मैं घर जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी बिकॉज आई रियली लव इट. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई शॉपिंग सीक्रेट्स. यूजुअली ड्रेस शर्ट्स लेडीज़ की इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती सो मैं मेंस सेक्शन में हमेशा उनकी स्लिम फिट ज़रूर चेक करती हूँ. किसी भी कोट के साथ इनर कैरी करने के लिए यू कैन हैव इट एंड इट कैन बी अ गुड ऑप्शन. डोंट टेल इट टू एनीवन. ओके, फिलहाल इन स्टोर साइजेस पे ही गुजारा करना पड़ेगा बिकॉज सेल चल रही है एंड यू नो सेल में कोई साइज नहीं बचता. बट इनके पास इतना ज़्यादा स्टॉक आउट नहीं है बिकॉज आई थिंक इनका आउटलेट नया है और ज़्यादा लोगों को अभी इस आउटलेट का इतना पता भी नहीं है. ओके, गिफ्ट में मैंने एक दो पैंट्स ले लिए हैं बिकॉज मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एंड स्टिल सेंटोरस से अभी हमने और वैरायटी भी देखनी है सो अनदर ब्रैकेट इज लेफ्ट फॉर दैट. दीज आर सम लवली ट्राउजर्स फॉर वर्किंग लेडीज. यू मस्ट गिव इट अ ट्राई एज दे कैन बी पेयर्ड वेरी नाइसली स्पेशली फॉर अ मॉडेस्ट लुक. एंड एज पर माई रूल नाउ आई कैन गेट समथिंग फॉर मी टू. Trying some of my favorite options, लेकिन यहाँ से एक ही चीज लूंगी बिकॉज अब मेरा बजट डिस्टर्ब हो रहा है. सो इस महीने आई थिंक मैं 5,000 के बजाय 2,000 बजट चैलेंजेस करी होंगी. वेल आई थिंक दिस स्वेटर इज नॉट दैट प्रैक्टिकल क्योंकि मेरी वार्डरोब में हैंग रहेगी और मैं 2-3 दफ़ा इसको वेस्टर्न पेयर कर लूँगी. या फिर अगर ट्राउजर शर्ट या शलवार कमीज के साथ भी पेयर करूँ तो बहुत कम जाएगी. दिस कोट इज मोर प्रैक्टिकल. फर्स्टली इसका कलर ऐसा आई कैन कंट्रास्ट इट विद एनी थिंग और इसकी लेंथ लॉन्ग है सो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों के साथ जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज आफ्टर 30% ऑफ आई एम गेटिंग दिस फॉर 6,825. Although इसकी एक्चुअल प्राइस 9,750 थी सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट इट एट अ गुड प्राइस. इस स्टोर से कोई शूज और बैग्स देखे बगैर निकल ही नहीं सकता बिकॉज दे आर सो गुड. एंड आई रियली वॉन्ट टू पेयर अ गुड शूज विद माई कोट. एक ग्रीन शूज मैं इनकी वेबसाइट पर बहुत अरसे से स्टॉक कर रही थी एंड आई रियली वॉन्टेड टू गेट देम लेकिन आंखों देखे लेने थे मुझे. And unfortunately, they are sold. They are stock out at the website, at all stores even. So it's a tip. अगर आपको कुछ वेबसाइट पे अच्छा लग रहा है, just get it right away. अगर सेल लग जाए, तो don't wait for it to get stock out.
Yay, I'm so excited to get my favorite coat. I can't wait to pair it up, you know. Super excited. फिलहाल भूख बहुत ज्यादा लग रही है और अब हम जा रहे हैं सेंट टॉरस, वहीं जाके कुछ खाएंगे अब. Right now it's 9:15 and keeping in mind that सेंट टॉरस 11 o'clock बंद हो जाता है. सैलरी मिलते ही मैं सबसे पहले अलमास जाती हूँ. फॉर द लव ऑफ शूज आई हैव, आई कैंट वेट. लव देयर कोट्स, जैकेट्स, एवरीथिंग. ट्रैक सूट्स आर अमेजिंग एंड स्पेशली व्हेन देयर इज सेल, इट्स अ मस्ट विजिट ब्रांड. देयर सेल इज सुपर क्रेजी. एक दफा आपको अलमास का चस्का पड़ जाए ना, आप किसी और ब्रांड पे सेटल नहीं हो सकते. दैट्स अ बिग क्लेम बट ट्रस्ट मी. सो आप देख सकते हैं पाथवे के दोनों साइड्स पे बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई हुई हैं. दे आर फॉर न्यू ईयर एंड क्रिसमस. और जब आप जल्दी में हो, वैले पार्किंग रियली हेल्प. के स्टार्ट में आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टैंड बिटवीन 23, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वॉज ऑन द अदर साइड, सो मैंने 2 से ही काम चला लिया. इट्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, सो आई एम टेकिंग द एलिवेटर टूवर्ड्स द सेकेंड फ्लोर. नेक्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले मुझे ये मेकअप कियोस्क नजर आया जिसपे देर वॉज दिस टैग लाइन, 14 शेड्स फॉर पाकिस्तानी स्किन टोन्स. And I just love this tagline because the variation in our skin tones is what makes us unique. इस फ्लोर में हम बिल्कुल स्ट्रेट चलते जाएंगे और लास्ट पर जाके वन के आउटलेट के बिल्कुल साथ अलमास है. Here is Makeup City, one stop solution for all the makeup lovers. Also, I spotted Hunza Emporium, जो कि हमने लास्ट सफायर वाले व्लॉग में गीगा में स्पॉट किया था, जहाँ से रिंग्स ली थी. एंड व्हेन आई कंपेयर द रेट्स विद दैट, ये एक्सपेंसिव था. मतलब सेम चीज जो मैंने यू कैन से 3 weeks पहले वहाँ पर देखी थी, वो यहाँ पर डबल रेट की है. सो फाइनली आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड. एंड वन थिंग दैट यू माइट नॉट नो अबाउट मी, I love to gift shoes. Maybe it's because I'm a shoe obsessed person, so मैं usually लोगों को जूते ही gift कर रही होती हूँ. That's why I really wanted कि gift में जूते missing ना हो. So come along and let's see what do we get in sale from here. And look, मुझे enter होते साथ ही अपने coat के साथ matching shoe नजर आ गया. Wow, I just love it. That's why I love this brand. बिकॉज जो सोचती हूँ वो मिल जाता है. उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पे ज्यादातर वैरायटी ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के ड्यूप्स होते हैं. मोस्टली मैंने यहाँ से जारा की कॉपीज भी ली हैं. सो इंस्टा स्क्रॉलिंग में मेरी जो विश लिस्ट होती है वो मुझे यहाँ पे लाजमी मिल जाती है. या दैट्स द रीजन इट्स बीन आई थिंक 8 या 8 years मैं अलमास से ही शॉपिंग करती हूँ यूजली. वेदर इट्स शूज, ब्लेजर्स, कोट, स्वेटर्स, व्हाटएवर, ट्रैक सूट्स, देयर स्टफ इज रियली नाइस. Now I'm extremely tired. सुबह 7 o'clock की मैं उठी हुई हूँ और मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है. सो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग जाता है उनको आपका राइट साइज देने में. अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है आपको दिखाने की कि मैं क्या ले रही हूँ. और जब इतनी मेहनत करके आप बहुत अच्छी चीज़ें चूज करके फाइनली यू थिंक दैट यू आर डन, तब आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो कैश काउंटर पर लगता है. Oh my god, I'm waiting here since long. मेरे साथ जो खातून खड़ी हैं उन्होंने ऑलमोस्ट कोई 25 पेयर्स लिए हैं और वो एक एक करके बहुत आराम आराम से उनका बिल बनाते रहे हैं. आई जस्ट हेट इट. अभी भूख इतनी ज़्यादा थी कि आई कुडंट टेक अ रिस्क और एक्सपेरिमेंट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. सो आई केम टू द फूड कोर्ट डायरेक्टली टू टेटो. दिस इज माई गो टू फूड प्लेस एनी टाइम anywhere. So as I mentioned, I don't want to experiment with the food, so I'm going for my favorite pasta, that is pesto chicken. Finally order place kar diya, and you know it is also a relief, like when you are unable to decide it gives you anxiety, right? Oh my god, I can't tell you, it looks amazing. Aur jitni zyada bhook hoti hai khana utna hi zyada tasty lagta hai aapko. Although I love this pasta due to this chicken fillet. This is really yummy.
अभी जितनी शॉपिंग कर ली है उसके बाद हम ना तुम्हें यही सोचना चाहिए, खा लो जितना खाना है, 15 दिन बाद कमर्शियल में बैठ के चाट खा रही होंगी या फिर गोलगप्पे खा रही होंगी। नाउ यू नो द रीजन ऑफ माई बजट चैलेंजेस, या दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड इट एंड आई एम श्योर आई एम नॉट द ओनली वन, वी ऑल डू इट एंड आई prefer doing it because it's good to pamper yourself, because if you don't value yourself the world won't. Oh god, fresh lime pee ke mujhe lag raha hai ki maine pani mein dubki laga di hai. It's so refreshing. And I hope ki aap logon mein se koi mujhse ye sawal nahi karega ki meri salary kitni hai, because ethically you cannot ask a girl about her age and her salary. Noted? चलिए आज के लिए इतना ही, एंड आई एम श्योर आप जान चुके हैं कि मेरे बजट चैलेंजेस के पीछे राज क्या है। यस, आफ्टर शॉपिंग आई ऑल्सो पैम्पर माई सेल्फ, और उसके बाद जो बजट बचता है उसको मैं कैसे प्लान करती हूँ ये भी किसी दिन आपसे लाजमी शेयर करूंगी। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।